Hello students. So today I am going to teach you English class 5th chapter 1st. Let's see page 1. Have you seen? Name of the chapter is the photograph. This chapter belongs to the part myself and family. Chapter starts in this way. Have you seen old photographs of your family? क्या आप अपने अपने पुरानी तस्वीरें देखी अपने परिवार की, स्पेशली योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी या नाना नानी की? हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम फोटोग्राफ्स यू सी नाउ? अभी जो आप देखते हैं अपने दादाजी दादी को या नाना नानी को, तो उससे वो जो पुरानी तस्वीरें हैं वो कितनी अलग आप आते हैं, क्या उनमें कुछ अंतर दिखता है आपको? पेज 10, ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स इन द बॉक्स पे, नीचे एक बॉक्स दिया है पेज फर्स्ट में, उसमें आपको ओल्ड फोटोग्राफ्स चिपकाने हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, दादा दादी नाना नानी उन सभी के पुरानी तस्वीरें आपको उसमें चिपकानी है। हाउ डिफरेंट आर देयर क्लॉथ्स, आज जो कपड़े पहनते हैं उनसे कितना अलग उनकी उनका कपड़ा उस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है? बैकग्राउंड, पीछे का जो बैकग्राउंड है जहाँ पे वो खड़े हैं वो कैसा दिख रहा है? एंड द पिक्चर क्वालिटी, और पिक्चर की क्वालिटी कैसी है? इज द पिक्चर कलरफुल, क्या वो पिक्चर कलरफुल है? इज दैट पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट? और विच टाइप ऑफ पिक्चर इट इज, किस तरह की पिक्चर ये है? बस आपको ये उसमें चेक करना है, डिस्कस इन द क्लास। तो जब भी हम लोग क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स पेज 2nd ऑफ चैप्टर 1। रीड अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय हु कम्स अक्रॉस अ वंडरफुल मेमोरी। एक कहानी पढ़ते हैं छोटे से बच्चे की जिसको एक अच्छी सी याद जो है उसके थ्रू वो जाता है, जो एक अच्छी सी याद को से होते हुए अपने आप को गुजारता है, मतलब उसके साथ एक अच्छी सी घटना होती है जो अपनी याद को यहाँ पे बता रहा है, अपनी मेमोरी को यहाँ पे आपके साथ साझा कर रहा है। एज ए स्टोरी, आई वॉज 10 years old, जो राइटर है वो 10 साल का है, मैं 10 साल का था। My grandmother sat on the stream bed under the mango tree. मेरी जो दादी माँ थी वह स्ट्रिंग बेड अंडर द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के नीचे स्ट्रिंग बेड, एक तरह का बेड होता है स्ट्रिंग बेड, उस पर बैठी थी। नाउ आई वुड लाइक टू क्लियर हियर, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहिए, जो ग्रैंड मदर है दैट इज यूज फॉर बोथ दादी एंड नानी, तो ये इस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, दादी के लिए या नानी के लिए, ये हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इट वॉज लेट समर एंड देयर वर सनफ्लावर्स इन द गार्डन, यह गर्मियों का आखिरी समय था और सूरजमुखी के फूल बगीचे में खिले थे। एंड वार्म विंड इन द ट्रीज, और पेड़ों से गरम गरम हवाएं गुजर रही थी। माई ग्रैंड मदर वॉज निटिंग अ वूलन स्कार्फ फॉर द विंटर मंथ्स, आने वाली सर्दियों के लिए मेरी जो दादी या नानी जो भी थी, जो ग्रैंड मदर है, वो बुन रही थी एक ऊन का स्कार्फ। सी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी थी, जस्ट इन अ प्लेन व्हाइट साड़ी, उन्होंने पहन रखा था एक प्लेन सादी सी सफेद साड़ी। हर आईज वेर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ना, अब उनकी आंखें जो थी वो बहुत मजबूत नहीं थी, उनकी आंखों से बहुत कुछ दिखता नहीं था। बट हर फिंगर्स मूव्ड क्विकली, लेकिन उनकी उंगलियां बहुत तेजी में चलती थी, विद द निजल्स, उन जो घूमने वाली निजल्स होती हैं, जो कांटे होते हैं उनके साथ। एंड द निजल्स केप्ट क्लिकिंग ऑल आफ्टरनून, और पूरी दोपहर वो क्या करती थी कि उन उस स्वेटर को बुना करती थी, उस स्कार्फ को बुना करती थी। ग्रैंडमदर हैड व्हाइट हेयर बट देयर वर वेरी फ्यू रिंकल्स ऑन हर स्किन, जो दादी थी या नानी थी जो भी, ये जो ग्रैंड मदर है, इनके बाल सफेद हो चुके थे लेकिन इनकी चमड़ी पे रिंकल्स बहुत कम थे, झुर्रियां बहुत कम थी। तो एक हिस्ट्री फर्स्ट पैराग्राफ एंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड पैराग्राफ। आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट इन द मैदान, मैं घर लौटा था क्रिकेट खेल के मैदान से। आई हैड टेकन माय नीड एंड नाउ आई वाज रिमेजिंग थ्रू अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स एंड फैमिली हेयरलूम्स दैट हैड जस्ट दैट डे बीन ब्रॉट आउट ऑफ द एटिक बाय माय मदर। इन दिस लॉन्ग सेंटेंस यू कैन सी थ्री कलरफुल वर्ड्स, थ्री रेड वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज रिमेजिंग,
रूमेसिंग इज सर्चिंग, तो मैं ढूंढ रहा था एक बॉक्स को जो जिसमें पुरानी किताबें भरी थी. एंड फैमिली हेयरलूम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेयरलूम्स? आर्टिकल्स हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ऐसी चीजें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामान होते हैं जो रख दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेयरलूम्स. तो वैसे सामान थे, किताबें थी, दैट बीन ब्रॉट आउट ऑफ द एटिक. एटिक इज ऑल्सो रिटन इन रेनवर्ड अपस्टेयर्स रूम फॉर स्टोरिंग अनयूज्ड आइटम्स. जो चीजें हमारे यूज की नहीं होती है, जो एक तरह का स्टोर रूम बनाते हैं जहां यूजफुल चीजें नहीं है, उन चीजों को वहां पर लोग डाल देते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड एटिक. तो वहां से वह निकाली गई थी बाय माय मदर, मेरी माँ के द्वारा, उस बॉक्स को जो राइटर है वो ढूंढ रहा था. नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टेड मी वेरी मच एक्सेप्ट फॉर अ बुक विथ कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज. उस बक्से में मेरे इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं था, मेरी पत्नी का मुझे कुछ नहीं मिला, केवल एक किताब मुझे मिली जिसमें रंगीन तस्वीरें थी चिड़ियों और बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज कैन अंडरस्टैंड तितलियों. आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक वेन आई फाउंड अ स्मॉल फोटोग्राफ बिटवीन द पेजेस. जब मैं किताबों से गुजर रहा था, जब मैं उस किताब से को पढ़ रहा था, पलट रहा था, मुझे मिला एक छोटा सा तस्वीर मुझे मिली बिटवीन द पेजेस, पेज जो पन्ने थे उनके बीच में. इट वॉज फेडेड पिक्चर, येलो एंड फॉगी. एक धुंधली सी तस्वीर थी, थोड़ी सी पीली, थोड़ी सी जो पुरानी तस्वीर हो जाती है जो क्लियर नहीं दिखती है, फॉग जैसे होता है. फॉग का मतलब कि फॉग मतलब ओस जब गिरता है तो धुंधलका छाया होता है, उस तरह की तस्वीर मुझे मिली. It was the picture of a girl standing against a wall, and behind the wall there was nothing but sky. यह एक तस्वीर थी एक लड़की की जो एक दीवार के पास खड़ी थी और उस दीवार के पीछे कुछ नहीं था, मतलब ऊपर ऐसे साइड में कुछ नहीं था, केवल आसमान ही आसमान दिख रहा था. But from the other side a pair of hands reached up. लेकिन दूसरी तरफ से एक हाथों का एक जोड़ा, तो दो हाथ जो थे वो पास आ रहे थे. ऐसा समवन वाज गोइंग टू क्लिम द वॉल, ऐसा लग रहा था कि कोई उस दीवार को फांद कर और वहां कूदने वाला था. देयर वर फ्लावर्स ग्रोइंग नियर द गर्ल, वहां उस लड़की के पास फूल खिले थे. बट आई कुडंट टेल व्हाट दे वर, लेकिन वो किस तरह के फूल थे ये क्लियरली उस तस्वीर में समझ नहीं आ रहा. There was a creeper too, but it was just a creeper. एक वह creeper भी था, दीवार पे चढ़ा हुआ creeper मतलब एक लता चढ़ी. So first checkpoint is there, you can see here. First checkpoint is who do you think was in the photograph? The author found. आपको क्या लगता है कि उस तस्वीर में वो किस उस जो तस्वीर मिली है उसमें कौन था, वो किसकी तस्वीर थी? I think मुझे जो मैंने आपको पढ़ा और समझाया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ग्रैंड मदर की तस्वीर. आई रैन आउट इनटू द गार्डन, ग्रैनी आई शाउटेड, मैं बगीचे के बाहर भागा और चिल्लाया, दादी लुक एट दिस पिक्चर, इस तस्वीर को देखिए. आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग्स, मैंने इसे पुराने सामान के बक्से में पाया है. हूज पिक्चर इज दिस, किसकी तस्वीर है? मैंने दादी से अपनी ग्रैंड मदर से पूछा. आई जम्प्ड ऑन द बेड बिसाइड माय ग्रैंड मदर एंड शी वेलोप्ड मी ऑन द बॉटम एंड सेड. मैं अपनी जो ग्रैंड मदर थी उनके बगल में बैठ गया उछल के, और उन्होंने मुझे एक छोटी सी ऐसी चपत लगाई और बोली नाउ आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माय स्टिचेस. And the next time you do that, I will make you finish this scarf yourself. और अब जो था मैं भूल गई, देखो मैं गिन के भूल रही थी इसका, और मैं भूल गई तुमने इतनी जोर से आवाज लगाई, इतनी जोर शोर मचाया, और अब मुझे फिर से काउंट करना पड़ेगा. अब मैं स्कार्फ कैसे कर देती फिनिश करूं. लेट्स स्टार्ट पेज थर्ड ऑफ चैप्टर वन. अभी तक हमने पढ़ा कि जो बच्चा है, जो राइटर है,
वह उसकी जो दादी है, जो ग्रैंडमदर है, वह स्कार्फ बुन रही है। गर्मियों का लास्ट पार्ट है, गर्मियों के मौसम का लास्ट पार्ट है, और बच्चे को बक्से से एक पुरानी तस्वीर मिली है जिसे लेकर वह अपनी ग्रैंडमदर के पास गया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पेज 3। लेट्स स्टार्ट। ग्रैनी वाज ऑलवेज थ्रेटनिंग टू टीच मी हाउ टू नीट, विच आई थॉट वाज डिसग्रेसफुल थिंग फॉर अ बॉय टू डू। ग्रैनी जो थी वह हमेशा मुझे डराती रहती थी कि जब भी बुना करूं, जब भी कोई चीज में नीट करूं तो उस मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन मेरे हिसाब से यह डिसग्रेसफुल थिंग था, यह एक अच्छा चीज नहीं था। डिसग्रेसफुल इज रिटन इन रेड कलर, सो यू कैन राइट डाउन द मीनिंग हियर। शेमफुल शर्मनाक था एक लड़के के लिए, मतलब जो राइटर है, ही जब बॉय एंड ही डोंट वांट टू नीट द थिंग्स, उसे बुनना पसंद नहीं था। इट वॉज अ गुड डिटरेंट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिस्टी। अगेन यू कैन सी अ रेड वर्ड रिटन हियर, डिटरेंट। डिटरेंट मीन्स टू मेक द चाइल्ड अवॉइड डूइंग समथिंग, बच्चे को इग्नोर कर देना, बच्चे को क्या बोलते हैं लोग, बच्चे की बात को अनसुना कर देना। इट वॉज अ गुड डिटरेंट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिस्टी। और मुझे जब भी दादी, जो मेरी ग्रैंड मदर थी, इस तरह की कोई बात बोलती थी तो मैं उसको डिटरेंट कर दिया करता था। मैं कभी भी, जब भी वो बोलती थी मुझे डिस्टर्ब मत करो नीटिंग करने के टाइम, इस चीज को मैं इग्नोर करके अपने काम को कंटिन्यू करता था। मैं जो भी मुझे पूछना होता था वो मैं अपनी ग्रैंड मदर से पूछता था, जो भी बात करनी होती थी वो उनके सामने जरूर रखता था। वंस आई हैड टर्न द ड्रॉइंग रूम कर्टेन्स एंड ग्रैनी हैड पुट अ निडल एंड थ्रेड इन माय हैंड एंड मेड मी स्टिच द कर्टेन टुगेदर। एक बार की बात है जब मैं ड्रॉइंग रूम में बैठा था, कर्टेन्स एंड ग्रैनी, जब मैंने ड्राइंग रूम के कर्टन को टॉर्न कर दिया था, पूरा कर दिया था, उसको निचोड़ दिया था, उसको खराब कर दिया था, ग्रैनी ने टू निडल, ग्रैनी ने मेरे हाथ में एक निडल डाल दी थी, एक सुई डाल दी थी और धागा दिया था, एंड मेड मी स्टिच दैट कर्टन टुगेदर। और हम दोनों ने बैठ के, क्योंकि मैंने उस कर्टन को, उस पर्दे को फाड़ा था, तो हम दोनों ने बैठ के, ग्रैनी ने उसे समझाया था और हम दोनों ने मिलकर उस पर्दे को सिला था जहां भी फटा हुआ। Even though I made long 2-inch stitches, मैंने बहुत ही लंबे लंबे 2-2 इंच की टाके लगाए थे, मुझे अच्छे सिलने नहीं आया था, which had to be taken out by my mother and done again, जो कि बाद में मेरी माँ ने फिर से खोल कर और फिर से उसको ढंग से सिला। मतलब कि ग्रैनी जो थी, जो भी इस बच्चे से गलती होती थी उसको से यूज टू बी करेक्ट, उस चीज को वो फिर से दोहराने नहीं दे, बच्चा दोहराए नहीं, इस चीज के लिए उसको फिर से समझाने के लिए, फिर से उससे उसकी वो गलती सुधारने के लिए काम कर रहा था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 3। शी टुक द फोटोग्राफ फ्रॉम माय हैंड एंड वी बोथ स्टेयर्ड एट इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने मेरी हाथ से वो तस्वीर ले ली और हम दोनों ने बहुत देर तक उस तस्वीर को घूरा। द गर्ल हैज लॉन्ग लूज हेयर, लड़की के लंबे खुले बाल थे, एंड शी वोर अ ड्रेस दैट नियरली कवर्ड हर एंकल्स, और उसने एक ऐसा ड्रेस पहन रखा था जो लगभग उसके एंकल्स तक, उसके टखनों तक, घुटने के नीचे का जो पार्ट है वहां तक था, एंड स्लीव्स दैट रीच्ड हर रिस्ट, और जो स्लीव्स थी, जो बाजू थी, उसकी कलाइयों तक थी, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन हर हैंड्स, और उसकी हाथों में ढेर सारी चूड़ियां थी। बट डिस्पाइट ऑल दिस ड्रेपरी द गर्ल अपीयर्ड टू बी फुल ऑफ फ्रीडम एंड मूवमेंट। इस पूरे बंधन के साथ, इस पूरे पर्दे के होते हुए भी जो लड़की थी वह पूरी फ्री दिख रही थी, उसमें पूरा फ्रीडम दिख रहा था और बहुत ही मूवमेंट भी उसमें दिख रहा था। मतलब हिलती जुलती जो कम उम्र की बच्चियां होती हैं, तो इस तरीके से मूवमेंट करती हैं, अपना खुश रहती हैं, उस तरह की जो मूवमेंट थी वो उस लड़की में, उस तस्वीर में दिख रही थी। शी स्टूड विथ हर लेग्स अपार्ट एंड हर हैंड्स ऑन हर लिप्स एंड हैड अ वाइट हर हिप्स एंड हैड अ वाइट ऑलमोस्ट डेविल स्माइल ऑन हर फेस। इस लड़की, ये जो लड़की थी, अपनी पैर को हल्के से अंतराल पे करके खड़ी थी और उसके जो हाथ थे वह उसके कमर के पास थे, वो चौड़े ऐसे खुले हुए थे,
और उसके चेहरे पे एक सैतानी भरी एक डेविलिश मुस्कुराहट तैर रही। यू कैन सी देयर इज अ रिच वर्ड इन दिस पैराग्राफ डिस्पाइट। डिस्पाइट मींस इन स्पाइट ऑफ, इसके अलावा, उसके बाद भी, उसके बावजूद भी। नाउ मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। व्होज पिक्चर इज इट, ये किसकी तस्वीर है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। अ लिटिल गर्ल्स ऑफ कोर्स, एक छोटी सी लड़की की, सेड ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर ने जवाब दिया, कांट यू टेल, क्या बता नहीं पाओगी? यस बट डिड यू नो द गर्ल? हाँ बता तो सकती हूँ, लेकिन क्या तुम इस लड़की को जानते हो? यस आई न्यू हर, सेड ग्रैंडमदर। डैनी ने कहा, हाँ मैं इसे जानती तो हूँ, बट सी वॉज अ वेरी विकेट गर्ल, लेकिन ये बहुत ही दुष्ट लड़की थी। एंड आई शुडंट टेल यू अबाउट हर, और इसलिए मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगी। बट आई विल टेल यू अबाउट द फोटोग्राफ, लेकिन मैं तुम्हें इस तस्वीर के बारे में जरूर बताऊंगी। इट वॉज टेकन इन योर ग्रैंड फादर्स हाउस अबाउट 60 years ago। यह जो तस्वीर है यह ली गई थी, खींची गई थी तुम्हारे दादाजी के घर में लगभग 60 साल पहले। एंड दैट्स द गार्डन वॉल, एंड ओवर द वॉल देयर वाज अ रोड गोइंग टू टाउन। और ये जो पीछे है दीवार, यह गार्डन की दीवार है या बगीचे की दीवार है, और दीवार के उस पार क्या है, एक सड़क है जो शहर की तरफ जाती है। हूज हैंड्स आर दे, और ये हाथ किसके हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कमिंग अप फ्रॉम द अदर साइड, जो दूसरी तरफ से हाथ दिख रहे हैं एक जोड़े, वो किसके हाथ है? ग्रैंडमदर स्क्विंटेड एंड लुक क्लोजली एट द पिक्चर एंड शुक हर हेड। स्क्विंटेड इज ऑल्सो रिटन इन रेड वर्ड, यू कैन सी द मीनिंग, पियर्ड विथ नैरोड आईज, आंखों को ऐसे सिकोर कर देखना, अपनी आंखों को सिकोर कर दादी ने उस तस्वीर को देखा और अपना सिर खुलाते हुए बोली, इट्स द फर्स्ट टाइम आई नोटिस, ये हाथ तो मैंने पहली बार देखा है इसलिए। दे मस्ट हैव बीन द स्वीपर्स बॉय, हो सकता है जो सफाई करने वाला हो, सफाई करने वाला जो लड़का हो उसके हाथ हो, और मे बी दे वर योर ग्रैंडफादर्स, या फिर तुम्हारे जो दादाजी हैं उनके हाथ हो। सो नेक्स्ट चेक पॉइंट इज देयर, सेकंड, हु डू यू थिंक द हैंड्स बिलोंग टू, आपको क्या लगता है ये हाथ किसके होंगे? यू कैन राइट डाउन टू आंसर्स हैज बीन गिवन बाय ग्रैनी, जो ग्रैनी है उनके द्वारा दो आंसर्स दिए गए हैं, आइदर इट कुड बी ऑफ ग्रैंडफादर्स हैंड और इट कुड बी ऑफ स्वीपर्स बॉयज हैंड। ओके लेट्स मूव ऑन, दे डोंट लुक लाइक ग्रैंडफादर्स हैंड, ये ग्रैंडफादर के हाथ तो नहीं लगते हैं। आई से मैंने कहा, हिज हैंड्स आर ऑल बोन, उनके हाथों में बहुत कठोरता है, बहुत हड्डी दिखती है। यस बट दिस वाज 60 इयर्स ओल्ड, हाँ लेकिन ये जो तस्वीर है ये 60 साल पहले की। लेट्स स्टार्ट पेज 4, नाउ वी कंटिन्यू पेज 4 एंड पेज 6 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 5। डिडंट ही क्लाइम द वॉल आफ्टर द फोटो, क्या इस तस्वीर में जो हाथ दिख रहे हैं जिनके भी हो, उन्होंने इस तस्वीर के पूरा होने के बाद क्या वो दीवार पे चढ़ पाए? नो नो बडी क्लाइम, नहीं कोई दीवार पे चल नहीं पाता, एटलीस्ट आई डोंट नो, कम से कम मुझे तो याद है। एंड यू रिमेम्बर वेल, डैनी, और क्या आपको अच्छे से याद है? यस आई रिमेम्बर, हाँ मुझे बिल्कुल याद है। आई रिमेम्बर व्हाट इज नॉट इन द फोटोग्राफ, मुझे वो सब याद है जो कुछ भी उस तस्वीर में नहीं है। इट वॉज स्प्रिंग डे, यह एक वसंत का मौसम का दिन था, वसंत का दिन था। एंड देयर वॉज अ कूल ब्रीज ब्लोइंग, और ठंडी हवाएं बह रही थी। नथिंग लाइक दिस, अभी जैसा मौसम है वैसा कुछ नहीं। दोज फ्लावर्स एट द गर्ल्स फीट, दे वेर मैरी गोल्ड्स, ये जो पैरों के पास, इस लड़की की पैरों के पास तस्वीर में फूल दिख रहे हैं, ये मैरी गोल्ड के फूल थे। एंड द बोगनवेलिया क्रीपर, और जो क्रीपर था वो जो लता दिख रही है वो बोगनवेलिया टाइप की क्रीपर। इट वॉज ए मास ऑफ पर्पल, इसमें बहुत सारे पर्पल कलर का की पत्तियां तुम्हें दिखेंगी, तब इस तरह की क्रीपर में बहुत सारी पर्पल कलर की पत्तियां होती है। यू कैन नॉट सी दीज कलर्स इन द फोटो, इस तस्वीर में तुम्हें वो रंग नहीं दिखेंगे। एंड इवन इफ यू कुड, एज नाउ डेज यू वुडंट बी एबल
स्मेल द फ्लावर्स और फील द ब्रिज, और न ही उस तरह की हवा तुम्हें मिलेगी और न ही वो सुगंध तुम्हें मिलेगा आजकल जो हम लोग उस समय में महसूस कर पाते। एंड व्हाट अबाउट द गर्ल, और इस लड़की के बारे में तो कुछ बताइए। आई से मैंने पूछा, टेल मी अबाउट द गर्ल, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ बताइए। वेल सी वाज अ विकेट गर्ल, वह एक बहुत ही दुष्ट लड़की से लड़की होता। यू डोंट नो द ट्रबल दे हैड गेटिंग हर इनटू दोस फाइन क्लॉथ्स शी इज वेयरिंग, तुम्हें पता नहीं है कि जो खूबसूरत कपड़े इस लड़की ने पहन रखे हैं वो कपड़े पहनाने में कितना मेहनत इसे इस हम सभी को या जो भी लोग वहां पे थे उनको लगा। आई थिंक दे आर टेरिबल क्लॉथ, आई से मैंने कहा हो सकता है ये कपड़े थोड़े ज्यादा टेरिबल, थोड़े ज्यादा परेशान करने वाले हो पहनने में। सो डिड सी, नहीं वो हमेशा ऐसा ही करती। मोस्ट ऑफ द टाइम सी हार्डली वो रखती, वह बहुत मुश्किल से ही कोई भी नया चीज पहनने को दिया था तो पहनती थी। सी यूज टू गो स्विमिंग इन अ मजी पूल विथ अ लॉट ऑफ रुफेनली बॉयज एंड राइड ऑन द बैक्स ऑफ अ फेलो। यू कैन सी रुफेनली इज अ वर्ड हियर रिटन इन रेड कलर, मीनिंग ऑफ रुफेनली इज रफ एंड वायलेंट। वह हमेशा तैरने चली जाती थी कीचड़ भरे तालाब में बहुत सारे लड़कों के साथ, रफ लड़कों के साथ, ऑन द बैक ऑफ बफेलो, और भैंस के पीठ पर बैठ के जाती थी। सोचिए, नो बॉय एवर टीज्ड हर टफ दाउ बिकॉज शी कुड किक एंड स्क्रैच एंड पुल हिज हेयर आउट। कोई भी लड़का उसे चिढ़ा या परेशान नहीं कर पाता था क्योंकि वह बहुत शैतान लड़की थी और वह मारती थी, नोच लेती थी और बालों को भी खींचने लगती थी अगर कोई उसे परेशान था। आगे बढ़ते हैं। सी लुक्स लाइक इट्टू, आई से वो दिखने में भी ऐसी ही लगती। यू कैन टेल बाय द वे सी इज स्माइलिंग, लेकिन आप बता सकती हैं वह मुस्कुरा रही है। एट एनी मोमेंट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। समथिंग डिड हैपन, सेड रेनी। रेनी ने कहा हाँ कुछ तो जरूर हुआ। Her mother runs let her take off the clothes after all. उसकी माँ ने उसे इन कपड़ों को उतारने नहीं दिया था, so she went swimming in them and lay for half an hour in the mud. और उन कपड़ों के साथ ही वो कीचड़ भरे तालाब में तैरने चली गई और आधे घंटे तक इन अच्छे खूबसूरत कपड़ों के साथ कीचड़ भरे तालाब में तैरती रही और तैर तैर कर उन अच्छे कपड़ों को खराब कर दिया। I love her deeply and grandmother loves too. मैं इन सुन के हंसने लगा और जो grandmother थी वो भी हंसने लगी। Who was the girl? यह कौन लड़की थी? I said. मैंने कहा, You must tell me who she was. आपको बताना ही पड़ेगा वो कौन थी? No, that don't. नहीं, ये तो नहीं बताऊंगी, said grandmother. Grandmother ने जवाब दिया, I pretended I didn't know, but I knew because grandmother still smiled. In the same way, मैंने ऐसा pretend किया, मैंने ऐसा दिखावा किया कि मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे पता चल चुका था क्योंकि जो grandmother थी वो अभी मुस्कुरा रही थी उसी तरह से, even though she didn't have as many teeth. अभी उनके चेहरे मुंह में उतने दांत तो नहीं थे जितने कि उस तस्वीर में दिख रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि grandmother ही थी। Let's move on page 6th. On page 6th, first part is there is a checkpoint, a question hai, there is a checkpoint. How do we know that the girl in the photograph was naughty? हम कैसे जान सकते हैं कि जो लड़की की तस्वीर है वह लड़की बहुत ही नटखट होगी? We can know that the girl was naughty by the story of the grandmother. जो दादी कहानी सुना रही थी उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं जो तस्वीर है उसमें दिख रही लड़की बहुत ही नॉटी होगी। लेट्स मूव ऑन, कम ऑन ग्रैंडी, आई से टेल मी, टेल मी, बताओ ना दादी, बताओ बताओ। बट ग्रैंडमदर शुक हर हेड एंड कैरीज ऑन विद द मीटिंग, लेकिन ग्रैंडमदर ने अपना सिर हिला दिया और अपनी बुनाई में लगी रही।
and I held the photograph in my hand, looking from it to my grandmother and back again, trying to find points in common between the old lady and the little pigtailed bird. मैंने उस तस्वीर को हाथ में ले लिया, दादी के बूढ़े चेहरे और उस तस्वीर को मिला मिलाकर देखने लगा कि कोई तो मुझे ऐसा पॉइंट मिले जिससे इन दोनों चीजों में मुझे समानता दिखे। A lemon colored butterfly settled on the end of the grandmother's knitting needle and stayed there while the needle tickled away. एक लेमन कलर की, एक ऑरेंज कलर की जो बटरफ्लाई थी, वह आकर बैठ गई ग्रैंडमदर के निटिंग नीडल कांटे के ऊपर, बुनने वाले कांटे के ऊपर, और वहां थोड़ी देर रुकी रही व्हाइल द नीडल क्लिक्ड अवे, जब तक कि नीडल ने उसे हटाया नहीं। आई मेड अ ग्रैब एट द बटरफ्लाई, यू कैन सी द वर्ड ग्रैब इज रिटन कलरफुल टू कैच द फ्ली। मैं उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए दौड़ा, बेतहाशा दौड़ा। एंड इट फ्लू ऑफ इन अ डिपिंग फ्लाइट एंड सेटल्ड ऑन सनफ्लावर। डिपिंग इज आल्सो रिटन इन कलरफुल वर्ड, डिपिंग मींस लो। और यह धीमे धीमे उड़ता हुआ जाकर एक सूरजमुखी के फूल पर बैठ गया। आई वंडर हुज हैंड्स दे वेयर। मैं वंडर करती हूँ ये किसके हाथ है। वंडर करने का मतलब पता नहीं वो हाथ किसके हो। स्कॉट ग्रैंड मदर टू हर्सेल्फ। ग्रैंड मदर ने खुद से मुस्कुराते हुए बोला, विथ हर हेड बॉड हर्सेल्फ, विथ हर हेड बॉड, अपना सिर को झुकाए हुए जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने फुसफुसाया, पता नहीं वो हाथ किसके थे। एंड हर नीडल्स क्लिकिंग अगेन इन सॉफ्ट वार्म साइलेंस ऑफ दैट समर आफ्टरनून। और उनके जो हाथ थे वो आगे बढ़ते गए और जो उनकी स्काफ की बुनावट थी वो जारी थी। यू कैन सी द नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द राइटर इज रस्किन बॉन्ड। सो देयर आर सम वर्ड बॉडीज, यू विल राइट देम डाउन, आई विल गिव यू होमवर्क, यू विल राइट देम, लर्न देम, एंड ऑल अदर एक्सरसाइजेस यू विल ट्राई टू डू। आई विल ऑल्सो हेल्प यू टू सॉल्व एक्सरसाइज